नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। देश में बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। आइए हम जानते हैं आखिर वो क्या है गाइडलाइन में। पिछले साल मार्च का महीना था और कोरोना वायरस पूरे देश में फैल रहा था। कोरोना की शुरुआती खबरों की माने तो कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से पूरे विश्व में फैला था। इसी कोरोना वायरस के कारण भारत में भी ऐतिहासिक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि आज ही के दिन यानी कि 24 मार्च 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। अब एक बार फिर से दोबारा कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि वुहान शहर में देश में सबसे पहला कोरोना का मामला सामने आया था। करीब 6 माह के बाद भारत में इस महामारी ने दस्तक दी थी। देखते देखते यह देश के अमूमन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गई और 6 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो गए थे। भारत ने भी लॉकडाउन को उचित माना क्योंकि देश के 4 सर्वाधिक संक्रमित शहरों में शामिल हो गया था। कोरोना महामारी के कारण देशवासियों ने अपने प्रियजनों से अलग हो गए। लॉकडाउन के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इस महामारी के दौरान देशवासियों ने अपने अपने स्तर पर सभी लोगों को हाथ बढ़ाया। पिछले साल और इस साल की स्थिति में काफ़ी बदल गई है। अब धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। भारत समेत विश्व में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन संक्रमण के मामलों में तेजी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल और इस साल की स्थिति को अगर हम देखें तो संक्रमण की वृद्धि में किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही है। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गनीमत है कि अभी देशव्यापी लॉकडाउन का आसार नहीं है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। देश में नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू प्रतिबंध को 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आसान शब्दों में से अगर हम समझें तो अगले महीने की आखिरी तक सभी राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही DCA कार्यालय की ओर से कहा गया है कि जरूरत महसूस किए जाने पर कुछ इंटरनेशनल रूट्स पर संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी लेकर उड़ानों को संचालित किया जा सकता है। इसके साथ ही गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सभी प्राथमिक समूहों को जल्द से जल्द कवर करने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने को कहा गया है। वैक्सीन ड्राइव के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में असमान स्थिति देखी जा रही है। यह भी कहा गया है कि कई राज्यों में टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। इसलिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी प्राथमिक समूहों को शीघ्रता से कवर करना चाहिए। गृह सचिव अजय भल्ला ने भी सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यस्थलों में और सार्वजनिक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर कोविड के बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए किए जाएं। टेस्ट ट्रैक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्ट ट्रैक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कंटेनमेंट उपायों COVID-19 उचित व्यवहार और SOP को विभिन्न गतिविधियों पर सख्ती से लागू करने के लिए अनिवार्य है। गृह मंत्रालय ने COVID-19 का प्रभावी आदेश जारी किया है जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा और यह 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा। सकारात्मक मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर कंटेनमेंट जोन को जिला अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाएगा। इस संबंध में MOHFW इन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंटेनर जोन की सूची संबंधित जिला कलेक्टरों और राज्यों संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा वेबसाइटों पर अधिसूचित की जाएगी। इस सूची को नियमित आधार पर MOHFW द्वारा साझा किया जाएगा। सीमांकित कंटेनमेंट क्षेत्रों के भीतर MOHFW द्वारा निर्धारित किए गए रोकथाम उपायों की जाँच की जाएगी, जिसमें कठोर परिधि नियंत्रण गठन, गृह निगरानी, संपर्क अनुरेखन, ILI, SARI मामलों के लिए निगरानी आदि शामिल है। इसके साथ ही राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्थिति और उनके आकलन के आधार पर राज्य और संघ शासित प्रदेश जिला उपजिला और शहर वार्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिसमें COVID-19 का प्रसार शामिल है। अंतरराज्य और अंतरराज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं। पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत क्रॉस लैंड बॉर्डर व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतरराज्य और अंतरराज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आंदोलनों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन, ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये थे केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए नए कोरोना के गाइडलाइन। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।